की। देखिए आज लोकसभा में विशेष सत्र की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन के साथ हुई, जिसमें उन्होंने संसद के गौरव, उससे जुड़ी यादों का जिक्र किया और विरोधियों पर भी तंज कसा। पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि, विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो सारी बातें आपने सुनी। मेरे साथी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए सरकार के अपने एजेंडे जिसको सरकार बार बार हाईलाइट भी कर रही है और विपक्ष के भी अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि देखिए प्रश्नकाल तो होना है नहीं। ऐसे में अब प्रश्न कहाँ से रेज किए जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे, विपक्ष अपनी बात कैसे रखेगा, अब गतिरोध की स्थिति 5 दिनों में देखने को मिल सकती है और ये शुरुआत में दिखाई भी दे रहा है। अंकित जी, देखिए अगर हम बात करते हैं गतिरोध की, तो गतिरोध क्योंकि जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गतिरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल हैं जो भी अपनी भी बात रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कटाक्ष देखने को मिलेंगे, जो थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो जो तमाम बातें की हैं आज़ादी के दौरान से लेकर के अब तक के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, लेकिन उसी में दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने जिक्र किया है जिस तरीके से इमरजेंसी लागू की गई और जिस तरीके से कैश फॉर वोट कांड जो कि संसद में देखने को मिला था न्यूक्लियर डील के दौरान, तो वो निश्चित तौर पर विपक्ष को नागवार गुजरा है। अभी उनकी तरफ से उनके जो नेता हैं विपक्ष के, जो नेता अधीर रंजन चौधरी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने किस तरीके से जो है पलटवार किया है वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दौरान जिस तरीके से नेहरू जी की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, विपक्ष को अहमियत दी जाती थी, नेहरू जी की सरकार के दौरान विपक्षी जो है पार्टियों से नेताओं को भी अपनी सरकार में शामिल किया गया, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन ऐसा मोदी सरकार में नहीं हो रहा है, बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आजादी के 75 वर्ष के जो है पर चर्चा हो रही है, उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है, संसद के कार्यकाल पर चर्चा हो रही है, लिहाजा तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी बात रखेंगी। लेकिन इस सबके में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो अभी जो पिछले सवाल में आप जो चर्चा कर रहे थे नीरज से, कि महिला आरक्षण बिल अगर वो आता है तो क्या होगा। देखिए महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जो है तमाम विपक्षी पार्टियां भी एक स्वर पर सरकार की मदद की बात कर रही हैं। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। पिनाकी मिश्रा जो कि बीजेडी के सांसद हैं, बीजू जनता दल के, उन्होंने कहा कि हम इस पर सरकार से मांग करते हैं कि आना चाहिए। जो प्रफुल्ल पटेल हैं जो कि अजीत पवार गुट के एनसीपी के सांसद हैं, उनका यह कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं। आज सुबह जो है सरोज पांडे ने भी बयान दिया। तो अब सवाल यह है कि अगर अभी क्योंकि जो सरकार की जो है क्या रणनीति है अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं, अगर वो बिल आता है तो ऐसे में फिर तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार वो बिल आसानी से पास करवाएगी और जो है सरकार एक तरह से ये भी बताएगी कि देखिए महिलाओं को जो अधिकारों देने की बात है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी सदन में किया है, हमको भूलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के 75 सालों के दौरान करीबन 600 महिला सांसद रही हैं, जबकि करीब
करीबन 7000 पुरुष सांसद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है और संभवतः उसी गैप को दूर करने के लिए हो सकता है ये एक सरकार की तरफ से कोशिश की जाए और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों के पास जब से विशेष सत्र का ऐलान हुआ तब से विपक्ष की तरफ से एक बात यही तो कही जा रही है कि अचानक से आखिरी वक्त में सरकार कुछ बड़ा कर सकती है और सरकार ये चाहती है कि विपक्ष को तैयारी का मौका ना मिले। देखिए विपक्ष इस मुद्दे पर अगर मैं कहूं कि जो है कहीं से जो कोई सवाल उठा पाएगा तो मुझे लगता नहीं है। हालांकि हाँ ये जरूर है कि अभी आज की तारीख में 8 बिलों की सूची सामने आई है और उन 8 बिलों में ये बिल नहीं है। तो अब जो सवाल यही है कि अभी तक तो वो बिल सूची में नहीं है, क्या अचानक से सरकार ये बिल लेकर के आएगी, किस तरीके से इसको पेश किया जाएगा, विपक्ष क्या उस पर सवाल उठा सकता है, ये विपक्ष की क्या रणनीति है, अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो जरूर है फिर चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, फिर चाहे वो पिनाकी मिश्रा हो जो बीजेडी के सांसद हो, या फिर जो है प्रफुल्ल पटेल हो, सरोज पांडे हो जो कि बीजेपी की सांसद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हो जो कि शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, तो ये तमाम लोग हैं जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के अपनी बातें कह चुके हैं और यहां तक कहा जा चुका है कि सरकार को इसको पास करवाना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार इस बिल को लेकर के आती है तो क्या विपक्ष पूरा सहयोग करेगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद का विशेष सत्र जिसकी आज शुरुआत हुई है सुबह 10:30 बजे जो बात कही है क्या ये वही ऐतिहासिक फैसला है, ये अपने आप में एक सवाल जरूर है। लेकिन यकीन मानिए अगर महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर के आती है तो तमाम विपक्षी पार्टियों के पास में इसका विरोध करने का कोई जो है उनके पास में कोई तमाम जो जानकार है वो भी यही कह रहे हैं कि जब विशेष सत्र ये है तो कुछ विशेष तो होगा, रेगुलर सेशन तो ये है नहीं। और विशेष का मतलब जो महिला आरक्षण बिल अगर सरकार चुनाव से पहले उस पर आगे बढ़ती है, उसको पेश किया भी जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक की तरह सरकार के लिए साबित हो सकता है क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। निश्चित तौर पर हो सकता है और देखिए हमको बिल्कुल ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है और टाइमिंग कब बात हो रही है जब अभी जो है 6-8 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव होना है, अगले 3 महीने में जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में चुनाव होना है और महिला आरक्षण बिल क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम जो है एक आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो माना यह जाता है कि बीजेपी का जो वोटर है उसमें बड़ी संख्या में महिला मतदाता है, महिला मतदाता घरों से निकलती है, बीजेपी को वोट करती है और वो एक बड़ी एक बड़ा फैक्टर होती है बीजेपी की जीत में। और इस बात को बीजेपी एनालाइज कर चुकी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था इस बात का जिक्र किया था जब महिला सांसद चुनके आई थी कि इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद कभी नहीं आई थी। और आज भी जब प्रधानमंत्री आजादी के 75 सालों के उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे, संसद के पुराने सत्रों पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि करीबन 7,000-7,500 सांसद आए हैं जिसमें से महज 600 महिला सांसद सामने आई हैं, यानी कि 10% से भी कम। और क्या यही वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी और विपक्ष के पास भी उसको विरोध करने का कोई जो है उनके पास में मौका नहीं होगा क्योंकि विपक्षी जो तमाम सांसद हैं वो अब इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि अगर ये बिल आता है तो हम समर्थन करेंगे, यानी कि हो सकता है कि उनको भी इस बात की कहीं से भनक लगी हो। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं अभी हम चर्चा जरूर कर सकते हैं लेकिन अंतिम फैसला क्या सरकार यही बिल लेकर आ रही है, कोई और जो है सरप्राइज बिल हो सकता है या कोई और बड़ा फैसला हो सकता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया है वाला फैसला सरकार लेती है, क्या महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाता है, इसको लेकर जो खबरें आ रही है क्या वो सच होती है, इस पर लगातार हमारी नजर। अंकिता प्रिय हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।